वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित, DPSP से संबंधित, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के रूप में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स क्या हैं और इनकी क्या विशेषताएँ हैं और भारत में ये किस रूपों में हैं और इनके उद्देश्य क्या हैं, आज की जो क्लास है वो हमारी इस टॉपिक पर फोकस रहेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जैसा कि हमें इसके नाम से भी पता लग रहा है कि ये जो हैं एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अर्थात एक इस प्रकार के निदेशक तत्व हैं जिनसे कुछ निर्देशित होता है। इस प्रकार के सिद्धांत हैं ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य की नीति के संबंध में। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो किसी राज्य की नीति को निर्देशित करने वाले तत्व होते हैं, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं वो निदेशक तत्व कहलाते हैं, नीति निदेशक तत्व कहलाते हैं। इनका जो पर्पज होता है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। अर्थात इस प्रकार के तत्व जो राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में अपना सहयोग देते हैं और राज्य को निर्देशित करते हैं इस प्रकार की नीतियों को बनाने में। तो इस प्रकार के जो तत्व हैं वो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व कहलाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स कहलाते हैं। दोस्तों, अगर हम इनकी बात करते हैं स्थिति की, तो भारतीय संविधान में भाग 4 जो है वो DPSP से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से संबंधित है, और इनसे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो 36 से लेकर के 51 तक इसमें इनको कवर किया गया है, विस्तृत किया गया है। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष जो है क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। आप इन्हें वन बाय वन करके तैयार कर सकते हैं कि आर्टिकल 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, इस रूप में आप इन्हें ज़रूर याद करें। अगर हम इनके स्रोत की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में जो इनका स्रोत है वो 1937 में बनाए गए एक आयरलैंड के संविधान से है। आयरलैंड का संविधान, जी हाँ दोस्तों, जो 1937 में बनकर तैयार हुआ था, तो उससे लिया गया है। और आप लोगों को शायद ज्ञात हो कि जो आयरलैंड के संविधान में DPSP का जो अस्तित्व रखा गया था वो स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसे स्पेन के संविधान से आयरलैंड में लिया गया और आयरलैंड से फिर भारत में लिया गया। अगर हम बात करें इनके तत्वों की, विशेषताओं की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के लिए ये एक सिफारिश है। किस प्रकार की सिफारिश है? सिफारिश का मतलब होता है एक टाइप की गाइडलाइंस हैं और उसे सरकार मानती है, माने या ना माने। तो ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक संवैधानिक निर्देश है, या फिर विधायिका और जो हमारा कार्यपालिका है और जो प्रशासनिक मामले हैं उनके लिए, राज्यों के लिए सिफारिश है। अगर हम आर्टिकल 36 की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, राज्य, अर्थात ये वही अर्थ है जैसा कि हमने भाग 3 में मूल अधिकारों के संबंध में बात की थी। और इस रूप में ये केंद्र और राज्य सरकारों की जो लेजिस्लेटिव हैं और एग्जीक्यूटिव पार्ट हैं, उन सभी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं देश में, और या फिर उस प्रकार के लोकल अथॉरिटीज़ या जो अन्य अथॉरिटीज़ हैं जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन सब में इसको सम्मिलित करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे दूसरे उसकी, तो उसकी जो दूसरी विशेषता है वो ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल और गवर्नरों को जो जारी की जाने वाले निदेशक तत्व थे, आप लोगों को पता होगा, तो इनकी जो स्थिति है वैसी ही है। और उस समय पर जो भारत शासन अधिनियम 1935 होता था, उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो गवर्नर जनरल और भारत की जो दूसरे गवर्नर थे, जिन्हें राज्य गवर्नर, जैसे कि बंगाल का गवर्नर और इस प्रकार के कई सारे गवर्नर थे, तो उनको जो निर्देश दिए जाते थे वो निदेशक तत्व कहलाते थे। तो ये लगभग वैसे ही हैं और उसी प्रकार का इनका दूसरा नाम हमने अपने संविधान में रखा है। और यह केवल इनके बीच में उस समय से अंतर यह है कि ये जो निदेशक तत्व हैं ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश थे,
आज के समय में अगर हम इनको बात करते हैं तो। अब हम तीसरे की बात करेंगे, इनका जो संबंध होता है वो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना से। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अब ये जो DPSP हैं, कोई राज्य किस प्रकार से सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय ला सकता है, तो इस प्रकार का जो दर्शन है वो हमारे DPSP में समाहित है। और ही हम सार रूप में ही कह सकते हैं कि इनका जो संबंध है वो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने से है। दोस्तों अगले चौथे पॉइंट पर चलते हैं, विशेषताओं से संबंधित। तो विशेषताओं से संबंधित चौथा जो पॉइंट है वो इन्फोर्सेबल से संबंधित है, अर्थात ये न्यायोचित हैं। न्यायोचित का मतलब ये है कि जो मूल अधिकार होते हैं वो न्यायोचित होते हैं, अर्थात वो इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स, उनको कोर्ट में प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। लेकिन DPSP जो है गैर न्यायोचित हैं, अर्थात इनको जो है इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते हैं, अर्थात इनके लिए लागू करने की कोई कानूनी बाध्यता स्पष्ट नहीं है। दोस्तों पांचवी की बात करते हैं, कानून की जो संवैधानिक मान्यता के विवरण में इसको प्रयोग किया जाता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो भले ही इनकी प्रकृति जो है वो इन्फोर्सेबल ना हो, गैर न्यायोचित हो, फिर भी ये कानून की जो संवैधानिक मान्यता है उसके विवरण में जब न्यायालय को समझ में नहीं आता है तो न्यायालय जो है इन्हीं DPSP का जो है एक संदर्भ लेता है। और उच्च न्याय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कई बार ये व्यवस्थाएं की हैं कि किसी भी विधि की जो संवैधानिकता का निर्धारण किया जाए तो उस समय पर न्यायालय को अगर ज़रूरत हो तो इस प्रकार जो है वो इसमें उपस्थित जो दर्शन है उसका प्रयोग कर सकता है। और ऐसी विधियों को हम अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में जो है तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से हम बच सकते हैं। इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हम ये कहें कि इसकी कानून की संवैधानिक मान्यताओं के विवरण में इसको प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं विशेषताओं से संबंधित। तो मेरा सभी विद्यार्थियों को ये सलाह है, सजेशन है कि वो इनको वर्ड टू वर्ड याद करें और इनके जो पीछे की फिलॉसफीज़ हैं वो भी तैयार करते रहें। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये जो क्लास हमारी चलाई जा रही है वो बहुत लाभान्वित होंगी। जो छात्र नहीं देख पा रहे हैं वो कृपया करके इन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी इस प्रकार के टॉपिक्स लिए गए हैं वो लगभग कवर किए जा रहे हैं टॉपिक में। और अगर आपको कहीं अधूरापन लगता है तो आप लोग बात कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो निदेशक तत्वों का जो वर्गीकरण है वो हम कहीं संविधान में इनका कोई इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है कि जो हमारे DPSPs हैं उनका कितना क्लास है। DPSPs संविधान में केवल आर्टिकल के हिसाब से एक्सप्लेन किए गए हैं कि आर्टिकल 36, 37, 38 अप टू 51 तक, लेकिन उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। पर अगर हम इनके दर्शन की बात करते हैं DPSP की, तो इसमें कई प्रकार के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। ये समाजवादी दर्शन अपने साथ लिए हुए, अर्थात इसमें समाजवाद के जो सिद्धांत हैं वो समाहित हैं। साथ ही साथ ये लिबरल हैं, ये उदार बौद्धिक जो सिद्धांत हैं उससे संबंधित हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स हैं इसमें। कुछ गांधीवादी जो विचारधारा है वो भी इसमें देखने को मिलती है। तो अगर हम समाजवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो इनका संबंध आर्टिकल 38 से है, जिसमें ये व्याख्या की गई है कि जो राज्य जो है वो एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था बनाने की बात करता है। इसी प्रकार से 39 ए जो हमारी निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहा है, 41, 42, 43, 43A, 47, तो ये हम अभी लास्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे वन बाई वन करके। आप लोग अपने आप से भी तैयार करते रहें और इन आर्टिकलों को रट्टा लगा ले। कई बार आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि आर्टिकल 43 का संबंध जो है वो किस दर्शन से लिया गया है या किस दर्शन से वो अपनी समानता रखता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और हमें पता होना चाहिए कि समाजवाद क्या है।
तो समाजवाद यहाँ पर चर्चा करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का एक खाका खींचते हैं जिनका जो लक्ष्य होता है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है, जिसमें हम समानता, स्वतंत्रता और अवसर की समता की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें रखी गई हैं वो आर्टिकल से नीचे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, गांधीयन जो सिद्धांत हैं वो इस प्रकार के हैं कि जैसे राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो गांधी द्वारा जो है पुनर्स्थापित जो योजनाएं थीं इस प्रकार का वो प्रतिनिधित्व करते थे और वो कई प्रकार की बातें करते थे जो इसमें समाहित हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, गांधी ये कहते थे कि भारत जो है वो गाँवों में बसता है, अर्थात अगर हमें भारत का विकास करना है तो हमें गाँवों का विकास करना पड़ेगा। इसी आधार पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया जो आर्टिकल 40 से संबंधित है। और अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के चरखे की, तो चरखे के पीछे एक दर्शन था कि भारत जो पुराने ज़माने में विकसित अवस्था में देखने को मिलता था उसके पीछे जो कारण था वो कुटीर उद्योग था, हस्तकरघा उद्योग था हमारा। तो उसी कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए जो है आर्टिकल 43 में बातें रखी गई हैं। इसी प्रकार से जो कॉपरेशन था, क्योंकि जब पैसे कम होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के लिए कॉपरेटिव सिस्टम अपनाया जाता है, तो सहकारी समितियों से संबंधित जो बातें की गई हैं वो आर्टिकल 43B से संबंधित हैं। इसी प्रकार से जो दुर्बल वर्ग हैं समाज के, उनके शैक्षणिक और आर्थिक जो हित हैं उसको किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सके ताकि सामाजिक न्याय की स्थापना हो, तो इस प्रकार का जो संबंध है वो आर्टिकल 46 में दिया गया है। और हेल्थ से संबंधित बात की गई हैं, जो बुरी लत हैं, नशीली दवाओं का प्रयोग, मदिरा का प्रयोग या जो गलत दवाइयां हैं उनका प्रयोग, उन सब पर संबंधित जो बातें रखी गई हैं वो आर्टिकल 47 से संबंधित हैं। और इसी प्रकार से जो भारतीय मूल की जो नस्लें हैं पशुओं की, जो भारतीय जलवायु में बनी हैं, उनकी संरक्षण पर बात की गई है, उनकी नस्ल पर सुधार की बात की गई है। उसमें जो आजकल योजनाएं भी आप देख रहे होंगे, कई प्रकार की इस प्रकार की योजनाएं हैं जो गांवों की गाय से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 8 से संबंधित है। इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं वो हमारी गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित एक नवमी है। अगर हम उदार बौद्धिक सिद्धांत की बात करते हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत उदारवादिता की बात आई है। उदार होना मतलब क्या है, तो इसमें जो राज्य होता है वो नागरिकों के प्रति लिबरल भाव रखता है, जो दया भाव रखता है। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 44 की, जिसमें एक व्यवस्था दी गई है एक समान, इस यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति स्पेशल नहीं है, सब लोग बराबर हैं। इसी प्रकार से आर्टिकल 45 है, जिसमें बालकों के लिए जो सभी बच्चे हैं उसमें 14 वर्ष तक की जो आयु पूरी कर चुके हैं उनके लिए एक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की बात हम 45 में करते हैं। कृषि और पशुपालन से संबंधित बात आर्टिकल 48 में है, और वो किस प्रकार की होंगी, आधुनिक होंगी, वैज्ञानिक होंगी या पुरातन होंगी, इस सब के बारे में संबंध में आर्टिकल 48 है। और 48A जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आजकल, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के बारे में बात की गई है, जीवों की रक्षाओं के बारे में बात की गई है। बहुत सारे एक्ट इस प्रकार के आए हैं जो आर्टिकल 48 से इन्फ्लुएंस हैं। आगे हम बात करेंगे 49 की, तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान हैं, जो इस प्रकार के वस्तुएं हैं उनके संरक्षण से संबंधित बात है, ये भी एक उदारवादी बात है। आगे चलते हैं 50 में, तो आर्टिकल 50 जो है वो न्यायपालिका का जो है कार्यपालिका से पृथक्करण है, अर्थात एक प्रकार की स्वतंत्र न्यायपालिका की जो स्थापनाएं हैं राज्य के लोक सेवाओं में, तो उन सबको स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसका भी संबंध जो है लिबरल प्रिंसिपल से लिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें नीति निषेध तत्व की उपयोगिताओं की, तो ये एक प्रकार के अनुदेश हैं। किस प्रकार के अनुदेश हैं, अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। विधायिका, कार्यपालिका और के लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देखेंगे कि ये विधायिका अर्थात जो लेजिस्लेचर है, जो कानून निर्मात्री संस्था है, उनके लिए एक प्रकार की पृष्ठभूमि बनाता है।
कि भाई हम किस प्रकार के कानून बनाएं। इसी प्रकार से कार्यपालिका का जो दर्शन है वो एक तरीके से सामाजिक न्याय की स्थापना से संबंधित है, उसको वो कैसे ग्रहण करें, उसके लिए भी जो है वो दर्शन हम एक DPSP से ले सकते हैं। आप लोग देखते होंगे प्रस्तावना में जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, बंधुत्व की भावना, इन सब के बारे में बात की गई है। ये जो बात है ये इस प्रकार के उद्देश्य जो है DPSP के माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरीके से प्रस्तावना के उद्देश्य को जो है ये विस्तृत रूप प्रदान करता है, ये इसका उपयोग है। पांचवा टॉपिक अभी बात कर रहे हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में बनाई जाने वाली घरेलू तथा विदेश नीतियों के स्थायित्व और निरंतरता से संबंधित है। अगर आपको इस प्रकार की नीतियों को स्थायी बनाना है, उनको चलाना है, तो हम DPSP को जो है लागू करके रखें और उससे संबंधित जो नीतियां हैं वो बनाएं। तो दोस्तों तब जाकर हम अपनी नीतियों को जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनको एक स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। तो DPSP का जो उपयोग है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम आगे बात करेंगे तो इससे संबंधित जो है ये मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्व में जो अंतर है वो क्या है। तो मौलिक अधिकार राज्य की नकारात्मक भूमिका वर्णन करते हैं, अर्थात ये राज्य को रोकते हैं कानून बनाने से संबंध में, कि भई आप जो है मूल अधिकारों से संबंधित जो है उनको हनन करने वाली जो विधियां हैं उसको नहीं बना सकते हैं, अर्थात वहां पर वो रोकते हैं, इसी को नकारात्मक भूमिका कहते हैं। जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो ये कहते हैं कि आप इस प्रकार की नीतियां बनाओ। तो एक ओर वो नीतियां बनाने के लिए खिलाफ है और दूसरी तरफ नीतियाँ बनाने की बात करता है। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, तो मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक जनतंत्र स्थापित करते हैं, लोगों का तंत्र स्थापित करते हैं। साथ ही साथ अगर हम DPSP की बात करते हैं तो एक सामाजिक आर्थिक जनतंत्र की बात करता है। सामाजिक आर्थिक अर्थात जिसमें समाज में सब लोग बराबर हों, आर्थिक रूप से संपन्न हों, उनके पास अपॉर्चुनिटी हो, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को जो है हम सामाजिक आर्थिक जनतंत्र की बात करते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं जनता को दिए जा चुके हैं, वही निर्देश तत्व जो हैं एक निर्देशात्मक है, केवल एक टाइप की गाइडलाइंस हैं। ये अधिकारों की चर्चा करते हैं परंतु देते नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो DPSP कहलाती है। मौलिक अधिकार जो हैं वो कड़े वैधानिक शब्दों में वर्णित हैं, अर्थात तो उनको इन्फोर्सेबल किया जा सकता है विभिन्न रिट के माध्यम से। लेकिन जब हम नीति निदेशक तत्व की बात करते हैं तो ये एक तरीके की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आगे अगर हम बात करेंगे कि ये दोनों न्यायालय में स्थिति जो है पूर्णतः भिन्न है, एक को इन्फोर्सेबल किया जा सकता है, एक को नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 39B की बात कर लो या फिर सी की बात कर लें तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं आर्टिकल नंबर जो 39B है उसके अनुसार राज्य के जो संसाधन है उनका प्रयोग के संबंध में बात की गई है, जिसमें जो जनसंख्या है वो सभी भागों को प्राप्त हो। इसी प्रकार से आर्टिकल 39C जो है वो कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन के केंद्रीकरण को रोकता है। आर्टिकल 37 के अनुसार जो है नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में प्राप्त करने लायक तो नहीं बनाते परंतु देश के शासन में इन्हें मौलिक रूप में निहित मानते हैं और यह राज्य का कर्तव्य है ना। कर्तव्य इन्फोर्सेबल नहीं है भारत में, जैसा कि लोगों के लिए भी कर्तव्य है, मूल कर्तव्य की जब हम बात करते हैं तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है, वो एक मोरल्स है, एक नैतिक कर्तव्य है हमारा। तो राज्यों का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा की गई है। और क्या है कि वह इन तत्वों को अपनी नीतियों में और संसद द्वारा बनाए गए कानून में अपना स्थान दे। दोस्तों आगे चलते हैं, अगर हम बात करें संविधान से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से DPSP में लिए गए हैं, तो आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा है, 37 इस भाग में जो तत्व हैं उनको किस प्रकार से लागू किया जाएगा, 38 में लोक कल्याणकार के बारे में संबंध लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, किस प्रकार से नीति होगी, 39 में कुछ ऐसे लॉज हैं जो राज्य को अनुसरण करना चाहिए, 39 में जो है ए में वो निःशुल्क और विधिक सहायता की बात की गई है,
40 जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए कुछ कंडीशंस की बात की गई है, कुछ ऐसा नहीं कि राइट्स है, कुछ की बात की गई है। इसी प्रकार से आर्टिकल 42 का जो संबंध है वो काम की मानवोचित दशा के बारे में बात कर रहे हैं, न्याय संगत बात कर रहे हैं। अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा कोरोना काल में कुछ सरकारों ने जो है श्रम कानूनों को अबोलिश कर दिया गया है। श्रम कानून का जो संबंध है वो न्याय संगत और मानवोचित दशाओं से संबंधित है, लेकिन कोरोना काल में जो है आर्थिक उन्नति के एवज में जो है उन कानूनों को निरस्त करा गया है या सस्पेंड किया गया है। अब ये कहाँ तक सही है ये आप चर्चा कर सकते हैं अपने आप से। साथ ही साथ प्रसूति सहायता का है जो डिलीवरी की बात करते हैं हम, एक जो माता है जो बच्चे को जन्म देती है उसके बारे में बात करते हैं, गर्भवती महिलाओं के बारे में बात करते हैं, उससे संबंधित प्रसूति सहायता से संबंधित बात की गई है। 43 में जो है एक मिनिमम वेज की बात की गई, इस प्रकार का मिनिमम वेज जिससे जीवन का निर्वाह किया जा सकता हो कर्मकारों के लिए, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर वर्कर्स हैं। 43 में जो है एक यूनियन लीडर्स की बात की गई है, अर्थात जो कारखाने हैं उसमें जो है मैनेजमेंट में मजदूरों का जो एक तरीके की भागीदारी है उसके संबंध में बात की गई, अर्थात मजदूर जो हैं उद्योगों के प्रबंध में भाग लेंगे, तो इस प्रकार का एक यूनियन लीडर की कंसेप्ट जो है वो उभर कर आई है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है। 45 में बालकों के लिए निःशुल्क, हम पीछे बात कर चुके हैं। 46 में दुर्बल वर्गों के लिए, ये भी हम बात कर चुके हैं। 47 में पोषाहार स्तर की बात करते हैं, जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है उसका लेवल कैसे बढ़ाया जाए। पुराने समय में लोग बस खाना खाते थे, गेहूं की रोटी खाई नमक के साथ, चटनी के साथ, तो ये खाना जो है केवल पेट भरता है, पोषण नहीं पैदा करता। खाना या भोजन जो आज के संदर्भ में लिया जाता है वो कैलोरी के साथ साथ न्यूट्रिशन से भी संबंध रखता है, अर्थात खाना या भोज्य पदार्थ वह है जो कैलोरी के साथ साथ एक आवश्यक जो न्यूट्रेंट है हमारे, जो पोषक तत्व हैं उसमें वो भी समाहित हों, वो कैसे हों उसके बारे में जो है आर्टिकल 47 से संबंधित है। साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड की बात की गई है कि हमारा जो जीवन स्तर है वो कैसा हो, मटेरियलिस्टिक लाइफ को कैसे प्रयोग किया जा सके इसके बारे में बात की गई है। लोक स्वास्थ्य के संबंध में बात की गई है। 48 में हम लोग बात कर चुके हैं कृषि और पशुपालन का संगठन की बात की गई है। तो इस प्रकार से आप लोग बचे हुए देख सकते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान वस्तुओं का संरक्षण है 49 में। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का सेपरेशन है, जो एग्जीक्यूटिव्स है वो जुडिशरी से सेपरेट है। इसी प्रकार से 51 जो है एक पीसफुली जो माहौल है उसकी बात करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई, शांति और सुरक्षा की बात की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार के काफ़ी सारे अभियान चलाए भी जा रहे हैं दोस्त हमारे यहाँ पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना है उसमें भारत जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो आर्टिकल 51 का वो जो दर्शन है उसे हम पूरा करते हैं और प्रयास है आगे भी इसी तरीके से करते रहे, ऐसी अपेक्षा भी है। तो दोस्तों DPSP बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते रहते हैं, मुझे आशा है ये वाली जो क्लास है आपको पसंद ज़रूर आएगी और इस प्रकार की क्लासों को आप अपने सहयोगियों को ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार चैनल से कुछ ना कुछ इस प्रकार की क्लासें आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं, जो विषय जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसमें एक आपका पूर्ण ज्ञान विकसित हो सके। और अगर कोई समस्या होती है, कोई दूसरे टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। आप अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से दुरुस्त रखें और मुझे उम्मीद है आप आने वाली परीक्षाओं में अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करेंगे। पुनः मिलते हैं कुछ रोचक विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।